के अपनी कराची की लड़की 14 दिन ईद मनाने के लिए आई है, वो भी मुइन छोटे और फिजा छोटी के घर। अच्छा, मेकअप चेकअप कर रही है अभी तक, इनका मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ, हाफ मतलब हाफ एन आवर होने वाला है, एक घंटा ज्यादा होने वाला है। मेरी बेगम नहीं है, वो मेरी जान है, और अपनी बेगमों से प्यार किया करो, मेरा ये मैसेज है। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। अच्छी बात है, शौहरों को होना चाहिए बीवियों की हेल्प करने के लिए। बीवियों की जबान तो काटी देनी चाहिए। ये आपकी हेल्प के लिए हाजिर हूँ मैं जब बोले, और हाँ ये नहीं सिर्फ अपनी बेगम के लिए हाजिर हूँ। अपनी बेगम के लिए साफ साफ क्लियर कर दिया, कहीं बेगम से रात में जूते पड़े। अच्छा, इन्होंने ब्लॉग में क्यों बताया? यहाँ गाइस हम चाय पी रहे हैं, वो देखिए पीछे, वो देखिए हमारे लिए दूसरी तैयारी शुरू है। सलामत रखे, आमीन आमीन, और अल्लाह ताला इतनी बुलंदियों पे ले जाए मेरा मालिक और देखने वाले को भी, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी भी परेशानियां दूर करे, जितनी भी तमाम दिल में नेक वो है तमन्ना अल्लाह उसको पूरी करे, कमेंट में आमीन भी बोलिए। आमीन आमीन। हे फैम, व्हाट्सअप कैसे हो आप लोगों, फुल आप लोग सब ठीक ठाक हो गए? दिस इज मी कराची की लड़की, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, सीन कुछ यूं है कि भाई लोग जो है ना पहले दूसरे तीसरे दिन ईद मनाते हैं, और आपकी अपनी कराची की लड़की 14 दिन ईद मनाने के लिए आई है, वो भी मुइन छोटे और फिजा छोटी के घर। तो गाइस देखते हैं कि ईद के तासुरात क्या हैं इनके घर में, और इनसे मिलवाते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये नए नए घर हैं, टिकटॉकर यूट्यूबर्स हैं, तो मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि भाई क्या सीन्स हैं अंदर। ठीक है जी, तो चलिए अंदर चलते हैं और मिलते हैं मुइन छोटी और फिजा छोटी से। अच्छा, अबे किधर है बे? अस्सलाम वालेकुम, तो भाई हम लोग आ चुके हैं इनके घर, और देखते हैं इनकी ईद के तासुरात क्या है। तो ये है इनका घर, और ये है, तो गाइस सीन कुछ यहाँ, आप ही यहाँ पे बैठ के तैयारी हो रही, देखो हमने पकड़ लिया इनको तैयारी करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? तो मैंने बोला भाई मैं सबके घर जाती रहती हूँ कि मैं इनके घर भी जाऊँ और इनसे ईद मिलूँ। आप लोगों को कैसा लगा? और आप लोग आए, हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने हमें समझा, अल्लाह ताला इसी तरह कामयाब करे। और अब बताएं क्या चलेगा, ठंडा गरम? बस पानी चलेगा, हम लोग तो पानी पियेंगे। चलिए आइए और एंजॉय करते हैं इनको, इनका पूरा दिन, आज का जो पूरा दिन है वो आज हम इन दोनों को देने वाले हैं, ठीक है, और इन लोगों के साथ ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या एक्साइटमेंट चीज आप लोगों को दिखने वाली है वो इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। चलिए जी आगे हम मिलते हैं हम लोग। तो भाई हम इंतजार कर रहे हैं कि फैजा आपी का मेकअप हो तो हम अपनी वीडियो शूट करने स्टार्ट करें, क्योंकि आज हम पूरा दिन इन दोनों के साथ एंजॉय करने वाले हैं, और ये सब मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। और अभी इनका मेकअप चल रहा है, अच्छी लग रही है, मोहब्बत चेक करो, अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब कमेंट में माशाल्लाह बोलिएगा भाई। अभी रेडी होती है ना फुल, मैं आप लोगों को इनका फुल लुक भी दिखाती हूँ, ठीक है? सो गाइस आप लोग मियां बीवी की मोहब्बत चेक कर सकते हैं, बीवी बेगम जो है ना मेकअप चेकअप कर रही है, अभी तक इनका मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ, हाफ मतलब हाफ एन आवर होने वाला है, एक घंटा ज्यादा होने वाला है, तो यहाँ वो मेकअप कर रही है और आप दिखाते हैं चुपके से आपको वो क्या कर रहे हैं। सो भाई फायदा आप ही ने बोला भाई मैं मेकअप कर रही हूँ, आप जाए और इन लोगों के लिए चाय बना के लाए, तो देखे जरा कि मुइन भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अपनी बेगम का हुक्म उन्होंने एक सेकंड में माना, एक सेकंड में क्या करें, बेगम के लिए तो करना पड़ता है भाई। मेरी बेगम नहीं है, वो मेरी जान है, और अपनी बेगमों से प्यार किया करो, मेरा ये मैसेज है। ये उफ, 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 उफ। देख रहे हो घर का सारे काम मैं करता हूँ, बेगम आराम करती हूँ, और हमें सुन लो लड़को, सुन लो क्या कह रहे हैं, सुनो काम खोल के, बेगमों को आराम करवाओ। ओए, ओए। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चाय ऐसी बनाओ लज्जत वाली, मेहमान भी खुश हो जाए, आए हाय मजे, और बेगम भी खुश, बेगम भी खुश, और मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बेगम से। सब के जाए, बेगम भी खुश, शौहर भी खुश, और मेहमान भी खुश, वाह बाबा कितनी सैड है उसकी जिंदगी। चलो जी अब इनकी चाय ट्राई करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि शौहर के हाथ में कितना टेस्ट है, और मैं आपको जो है ना चेक करके बताती हूँ चाय। चलो चलो चाय आ गई जल्दी जल्दी, चलो भाई चलो चाय आ गई, चाय आ गई, चाय पी लो भाई, मोहब्बत चेक करो, इतना डेकोरेशन करके लेकर आए हैं वो चेक करो आप। बेगम ने बस एक बार बोला चाय, मुझे जरा चाय बना के लेकर आए, और डर चेक करो बेगम का, डर नहीं है? बहुत डर लगता है उससे मुझे, बहुत ज्यादा ही, क्योंकि जब वो आठ बनती है, वो मैं तुम्हारा कला दबाती रहती हूँ। हाँ भाई बेगम उसे डरा करो, अचानक रात में बीवी बिल्ली बन जाती है, वरना तेरे को डर नहीं लगता? अच्छी बात है,
भाई ने बोला करने का तो करने का। ये आपकी हेल्प के लिए हाजिर हूँ मैं जब बोले, और हाँ ये नहीं सिर्फ अपनी बेगम के लिए हाजिर हूँ। अपनी बेगम के लिए साफ साफ क्लियर कर दिया, बेगम तो रात में जूते पड़े। नहीं तुमने ब्लॉग में क्यों बताया? देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। चलो जी अब चाय पीते हैं ना, तो और टेस्ट करते हैं कि कैसी चाय बना के लाए। ठीक है, यहाँ अभी इन्होंने जो है ना चाय ला के रखी है, और हमारे बब्बा जो है ना शुरू हो गया, बोलते हैं कि मैंने खाया कब है, मैं कुछ खाता कब हूँ किसी के जाके। देखो जरा, चलो जी चाय उठाते हैं और पीते हैं। ठीक है पकड़ो जरा। ठीक है बताएं कैसी बनाई है भाई, हम चेक भी तो करें ना, चेक करना जरूरी है, तारीफ भी करनी पड़ेगी, बेगम के डर से बना के लाए। सही बात। यहाँ गाइस हम चाय पी रहे हैं, वो देखिए पीछे, वो देखिए हमारी ये दूसरी तैयारी शुरू है। चेक करो, चेक मोहब्बत चेक करो यार। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो गाइस। देखे चाय तो चाय होती है, लेकिन ये चाय जो है ना ढाबे से कम नहीं है। हम ढाबा खोलेंगे ना, हमारे ढाबे में आना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ढाबा खोलेंगे, कैफे खोलेंगे हम लोग अपने नाम का। और सबसे ज्यादा चाय भी फिर मैंने पीनी है, और हर दिन के 5 कप तो मेरे पैसे जा रहे होंगे। ये लो भाई। हां भाई हां। सो गाइस यहां आप लोग देख सकते हैं ये सब इन्होंने सर्व किया हमें, माशाल्लाह माशाल्लाह। मंडो 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 मंडो, आप भी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। तो गाइस इन्होंने पूरा का पूरा जो है ना मेहमानों वाला तकल्लुफ किया, क्यों किया आपने ये सब? हमें नहीं अच्छा करना लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, इतनी खुशी क्या बताऊं। मैं तो अपना कलेजा भी काट के रख लूं। अल्लाह इसी तरह मोहब्बत चेक कर भाई, इसी तरह सलामत रखे। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला इतनी बुलंदियों पे ले जाए मेरा मालिक और देखने वाले को भी, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी भी परेशानियां दूर करे, जितनी भी तमाम दिल में ने वो है तमन्ना अल्लाह उसको पूरी करे। आमीन में आमीन भी बोलिए। आमीन आमीन। सो गाइस ये है जी हमारा नाश्ता, चाय तो भाई एंड है भाई, जबरदस्त। हम इनको ढाबा खुलवा के देने वाले अब। चाय का कलर बता रहा हूँ जानी, देखिए चाय का कलर आप लोगों को बता रहा हूँ कि चाय कैसी है, आपकी दुकान कैसी है। चाय एंटीक है ना, वीआईपी। तो यहाँ देखें ये दालमोट है, चिप्स है, ये वाली भी दालमोट है, चाय है, मजा आ गया। बिस्किट भी है। देखिए बिस्किट भी और है। आपको तो पता है मैं कुछ खाता नहीं हूँ। ये तो कुछ खाते ही नहीं है, पूरी प्लेट नहीं खत्म करके बोलेंगे। यकीन करो मैं दाल चौदह बिल्कुल खाता ही नहीं हूँ। देखिए जरा खाते ही, फिर भी पूरा हाथ चल नहीं खाता मैं। तो आप भी हमारे घर आए, हम इससे ज्यादा तकल्लुफ करेंगे आपके लिए। देखा पता है क्या क्या बात है, ये हमारे लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम घर जैसी बात है, हम पानी भी पियेंगे ना बहुत है हमारे लिए, सही है? तो अगली बार का ये तकल्लुफ ना हो। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको, इससे बड़े चिकन टिक्के हूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह देगा तो मुंह तो मांगेंगे, सही है? तो जज़ाकअल्लाह इतना सबके लिए, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं आई थी ईद सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मैंने तीनों ईद जो है ना वो सोते सोते गुजारी, और आज चौथा दिन था ईद का, क्योंकि मेरी पहली ईद थी और बाकी सबकी चौथी ईद थी। तो मैं आई हूँ फायदा छोटी और मुइन छोटू के घर अपनी ईद सेलिब्रेट करने के लिए। आप लोगों ने व्लॉग में देखा माशाल्लाह कितना अच्छा है इन लोगों ने हमारे लिए मैनेजमेंट किया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच आप लोगों की इतने तकल्लुफ के लिए, और बहुत अच्छा लगा हमें आप लोग आए, और इसी तरह आते रहिएगा, भूलिएगा मत। नहीं नहीं ऐसी कैसी बात, और आप लोगों इंशाल्लाह आप सारे ब्लॉग में ये दोनों मिलने वाले हैं, मेरे ब्लॉग में इंशाल्लाह। कराची की लड़की मैं, आप इन दोनों की जान आने वाली है भाई। तो गाइस हमारा ईद ब्लॉग जो है ना यहीं पर ही करते हैं, एंड आप लोग अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों के प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल रखें, बाय, लव यू।